हेलो एवरीवन आई एम कपिल गर्ग फ्रॉम अपलाइड साइंस डिपार्टमेंट ऑफ आर पी कॉलेज कैंपस करनाल इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी आर स्टडीड अबाउट द एक्सटेंसिक एज वेल एज इंटेंसिक सेमीकंडक्टर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए डिफरेंस बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड मेटल हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी मेटल इंसुलेटर एज वेल एज सेमी वी नो डैट कि मेटल वो होते थे जिसमें से हमारे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता था पास हो जाता था

सेमी कंडक्टर इंटेंसिक एज वेल एज एक्सटेंसिक सेमी कंडक्टर ठीक है एक्सटेंसिक सेमी कंडक्टर ठीक है ये हमने अब स्टार्ट कर रही है तो फर्स्ट वन इज सेमी कंडक्टर सेकेंड वन इज मेटल तो सेमी कंडक्टर को स्टडी करते हैं सेमी कंडक्टर बिहेव लाइक एन इंसुलेटर एट जीरो वही बात दे दी इन्होंने सेमी कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है हमारा इंसुलेटर की तरह किस पे जीरो कैलविन पे जो उसकी कंडक्टिविटी होगी वो क्या करेगी इंक्रीज करेगी विद द राइज इन टेम्परेचर टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ उसकी कंडक्टिविटी क्या करेगी हमारी इंक्रीज करेगी उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी विद द राइज इन टेम्परेचर और सेकेंड क्या था मेटल मेटल की जब हम डिस्कस करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या करेगी डिक्रीज करेगी विद इन विद द राइज इन टेम्परेचर मेटल की कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी इनक्रीज करेगी क्लियर सेकेंड देखो कंडक्टिविटी इंक्रीज विदेंशियल डिफरेंस अप्लाईड कंडक्टिविटी क्या करेगी इंक्रीज करेगी किसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया गया है उसको अगर हम इंक्रीज करेंगे वी के साथ यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ उसकी कंडक्टिविटी क्या करेगी इनक्रीज करेगी कंडक्टिविटी क्या करेगी इनक्रीज करेगी ठीक है और मेटल के केस में क्या होगा कंडक्टिविटी इज एन इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस मेटल के केस में क्या होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगी वो उससे क्या होगी इंडिपेंडेंट होगी ठीक है तो कंडक्टिविटी के एक इंटरेंसिक प्रॉपर्टी है जो हमारी क्या करती है जो इंडिपेंडेंट होती है ठीक है किस पे जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा रहे थर्ड पॉइंट क्या था नॉट ओबे या तो ओबे करतीमसला को या पार्शियली उसको ओबे करती है ठीक है लेकिन मेटल्स क्या करते हैं वो ओमसला को क्या करते हैं ओबे करते हैं मेटल्स क्या करते हैं ओमसला को ओबे करते ठीक है नेक्स्ट वन देखो फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा डोपिंग द सेमी कंडक्टर विद इम्प्योरिटीज़ वास्टली इंक्रीज द कंडक्टिविटी जो डोपिंग uh, थी वो क्या कह रही थी डोपिंग द सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर को जब हम डोप करते हैं विद इम्प्योरिटीज़ uh, के साथ वास्टली इंक्रीज़ द कंडक्टिविटी उस टाइम पे हमारी कंडक्टिविटी एकदम राइजली क्या हो जाती है इंक्रीज कर जाती है एज uh, जितनी ज़्यादा अमाउंट में हम क्या करते हैं डोपिंग uh, करते हैं उसी अमाउंट में हमारी एक एकदम शार्पली वी कैन से कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज कर जाती है एज वेल एज इन मेटल्स मेकिंग अलॉय विद अनदर मेटल डिक्रीज द कंडक्टिविटी उसके अंदर हमारी कंडक्टिविटी क्या कर जाती है डिक्रीज कर जाती है ठीक है तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेमी कंडक्टर एज वेल एज मेटल थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंस ऑफ लिसनिंग